हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि बिहार भर्ती का फेज 3 आने वाला है, तो आज हमें ना फेज 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के पेपर में 6 to 8 क्लास के बायो के क्वेश्चन स्पेशली, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय मेल्फीगियन ट्यूब्यूल इन कॉकरोच। तो कॉकरोच के पास जो मेल्फीगियन ट्यूब्यूल होते हैं वो कौन सा काम करने के लिए होते हैं? एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड नन। तो आपको पता है, अगर आपने कॉकरोच के बारे में पढ़ा है और आपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, तो मेल्फीगियन ट्यूब्यूल जो होता है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? कॉकरोच के अंदर। तो उसका फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, द यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम अकर्स जस्ट इनसाइड द फेलोजन, जस्ट आउटसाइड द फेलोजन, जस्ट इनसाइड द वस्कुलर कैम्बियम एंड नन ऑफ दीज। तो जो हमारा यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम होता है वो वस्कुलर कैम्बियम के जस्ट अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय डीएनए कंटेनिंग अर्बोवायरस, आरएनए कंटेनिंग अर्बोवायरस, पेरोमॉक्सी वायरस एंड मोर देन वन। तो मैंने आपको बताया कि जो डेंगू फीवर होता है वो पहली बात तो एक वायरस होता है, ठीक है? तो इसको कौन, इसका पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या होता है? डेंगू वायरस, ठीक है? और उसके अलावा इसको हमारी बॉडी में कैरी कौन करता है? तो आपको पता है जो टाइगर मॉस्किटो होता है, जिसका दूसरा नाम होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो, वो इसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो ये वायरस होता है ये आरएनए कंटेनिंग आरबो वायरस होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, द मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स, आर्कियोपटेरिक्स, आइसोथेगा, लाइकोपिनस एंड मोर देन वन। तो आपको पता है बर्ड एंड रेप्टाइल्स के बारे में जब हम मिसिंग लिंक्स पढ़ते हैं या जब हम डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि आर्कियोपटेरिक्स को हम क्या मानते हैं? बर्ड और रेप्टाइल के बीच का मिसिंग लिंक मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उन्होंने न्यूरॉन से पूछा है, ठीक है? तो हमारी जो नर्व सेल होती है उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि नोड्स ऑफ रेनवियर आपको कहाँ मिलेगा। तो यानी कि नोड्स ऑफ रेनवियर आपको कहाँ मिल सकता है? नर्व सेल में मिल सकता है, हार्ट सेल को आप देखोगे तब मिलेगा, लिवर सेल में देखोगे तब मिलेगा, या मोर देन वन हो सकता है। तो आपको पता है नोड्स ऑफ रेनवियर जो होता है वो हमारे नर्व सेल में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे नर्व सेल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो एक्सोन, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, नोड्स ऑफ रेनवियर, ये सब स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारी नर्व सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट। इनमें से क्या वैक्यूल का काम नहीं होता है पौधों के अंदर? टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करना, सेल डिवीजन के प्रोसेस में हेल्प करना, टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करना, या फिर मोर देन वन। तो आपको पता है जो हमारे प्लांट्स के अंदर वैक्यूल होता है, जो प्लांट सेल का 60 to 80% पार्ट ले रहा होता है, तो टर्जिडिटी मेंटेन करने में तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो फंक्शन होता है। उसके बाद है ना, बहुत सारा स्टोरेज फंक्शन भी होता है। तो बहुत सारे टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को भी वो अपने अंदर स्टोर करता है, तो सेल डिविजन की हेल्प में वो काम हेल्प नहीं करता है, ठीक है? वैक्यूल का काम है ना सेल डिविजन के प्रोसेस में हेल्प करना, नहीं होता है। तो इसके लिए आपको है ना जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है जैसे हमारी बॉडी में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिसका काम क्या होता है? एटीपी फॉर्मेशन में वो हमारी हेल्प करता है। उसके अलावा राइबोसोम्स क्या फंक्शन प्ले करते हैं, ऐसे ऐसे आपको है ना हमारे बॉडी में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि इस बार तो उन्होंने पूछा वैक्यूल, नेक्स्ट टाइम वो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपको पता है एग्जाम मार्च में ही हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्यूडोपोडिया एंड मोर देन वन। तो अगर आपने अमीबा के बारे में पढ़ा है, तो अमीबा क्या करता है? अपने फूड को है ना स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो अपने फूड तक पहुंचता है और उसको अपने बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेता है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? फूड वैक्यूल करता है, ठीक है? तो अमीबा के अंदर डाइजेशन कौन करता है? फूड वैक्यूल करता है। और स्यूडोपोडिया, इसको क्या, स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फेक, पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है? तो ये फॉल्स फीट का काम करता है अमीबा के अंदर। और ये इसकी किस चीज़ में मदद करता है? इसको इसके फूड तक ले जाने के लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में मदद करता है स्यूडो पोडिया, ठीक है? और फूड वैक्यूल का फंक्शन क्या है? फूड का डाइजेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा? फूड वैक्यूल के अंदर होगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर एक हरा कच्चा फ्रूट है आपके पास, तो जब वो पक जाता है उसका कारण क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, मोर देन वन। तो आपको पता है हमारा जो कलर है, हमारे फ्रूट्स का जो कलर है वो किसकी वजह से आता है? क्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर्स, ठीक है? तो जब हमारा क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है, आपकी जो पत्तियां होती है वो हरी किस वजह से होती है? क्योंकि उनके पास है ना ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो जब वो है ना क्रोमोप्लास्ट में बदल जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? आपका जो फ्रूट जो हरा था अब वो
कलर चेंज कर लेगा, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। और मैंने आपको है ना एक पिगमेंट का वीडियो भी कराया है, जिसमें है ना मैंने आपको बताया कि हमारा जो पपाया होता है उसका कलर रेड येलो किसकी वजह से होता है, हमारे जो बीट रूट होते हैं उसका कलर पर्पल किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जब क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो हमारा जो कच्चा फ्रूट है वो पक जाता है, और ये जो कलर चेंज आया वो उसका रीज़न क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट अब किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि फ्रेश वाटर के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल रह रहे होते हैं, ठीक है, तो आप कभी जब किसी वाटर बॉडी के पास जाते हैं, तालाब के पास जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे उसके अंदर होते हैं, जानवर उसके अंदर होते हैं, तो सबसे बेस्ट पीएच रेंज क्या होती है? 9 to 10.5, 3.5 to 7, 6.5 to 7.5, मोर देन 1। तो आपको पता है 9 to 10.5 है तो ये बेसिक की तरफ जा रहा है, तो बेसिक कंडीशन इतनी बेस्ट नहीं होती। 3.5 to 7 है तो मोस्टली ये एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन भी इतनी बेस्ट नहीं होती। तो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो सबसे बेस्ट रेंज होती है वो मोस्टली न्यूट्रल होती है, तो जो 6.5 to 7.5 है वो बेस्ट पीएच रेंज होती है। 10th क्वेश्चन है कि उस ट्यूब का नाम आपको बताना है जो किडनी को है ना यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स में, यूरेथ्रा, यूरेटर, नेफ्रॉन, मोर देन 1। तो अगर आपने है ना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, यूरेटर, ठीक है। यूरेथ्रा तो वो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमारा यूरिन हमारी बॉडी से बाहर जाता है। नेफ्रॉन किसको बोलते हैं, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपका खाना आप खाते हो और वो फूड पाइप में है ना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो हो रहा होता है जिसकी वजह से आपका खाना है ना आपको फील भी नहीं होता लेकिन वो आपके पेट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक मूवमेंट हमारे ईसोफेगस के अंदर चल रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन बोलते हैं। तो उस मूवमेंट का ना एक नाम होता है, तो क्या नाम है उस मूवमेंट का, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मोर देन 1। तो आपको पता है जो हमारे ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, जब पौधे एक्स्ट्रा वाटर को बाहर एयर में छोड़ देते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसपिरेशन बुलाते हैं, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जब है ना पत्तियों ने जो खाना बनाया है उसको जब बाकी पार्ट तक पहुंचाया जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसलोकेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बाकी टर्म्स के मीनिंग बताओगे तो आप इसको ऐसे गैस कर लोगे, अगर आपको डायरेक्टली आंसर पता था तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है सेल्स में वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मोर देन 1। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटोन प्लस सिंथेसिस, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन, ठीक है, सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट्स कैरी आउट करते हैं किस लिए, ताकि वो अपना खाना बना सके, ठीक है। तो पत्तियाँ ये काम करती है इसलिए उनको क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ग्रीन लीव्स जो कलर होता है पत्तियों का, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और फोटोसिंथेसिस भी किसकी वजह से हो पाता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से हो पाता है। ये वो 12 क्वेश्चन थे जो हमारे 6 to 8 में बायो के पोर्शन से पूछे गए थे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 9th and 10th के बायो के क्वेश्चन भी कराऊंगी। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मैंने ना 6th क्लास की और 7th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट भी अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा एग्जाम मार्च में होने वाला है तो आपको 6 to 10th की NCERT बहुत ही अच्छे से करनी है, या फिर अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको SCERT करनी है। और मोस्टली सबका सिलेबस है ना सेम होता है, ये सारे क्वेश्चन NCERTs में भी हैं।